नमस्कार। नमस्कार साहब। संवाद में हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी हिंदुस्तानी सिनेमा के नामी विश्लेषक प्रहलाद अग्रवाल जी के साथ। अब सत्यजीत राय को आप कैसे याद करते हैं, जबकि पानी बहुत बह गया है और सिनेमा प्राय विभिन्न सभी भाषाओं के काफी कुछ बदल गया है, तो ऐसे में देखिए, सत्यजीत राय को कैसे याद करते हैं? सत्यजीत राय को मैं हमेशा एक अपने प्रिय फिल्मकार की तरह ही याद कर पाता हूं। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन या उनकी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं उनके बारे में, मगर मैं उनकी फिल्मों को उसी तरह देख पाता हूँ जिस तरह मैंने एक दर्शक की तरह उन्हें कलकत्ता की श्री प्राची और विशेष रूप से इंदिरा, श्री प्राची इंदिरा तीनों थिएटरों में मैंने देखा है। और इन तीनों थिएटरों में सबसे अधिक मुझे प्रिय रहा है प्राची सिनेमा, क्योंकि वह मेरे कलकत्ता के निवास स्थान के सबसे निकट होता था और सियालदह स्टेशन के बिल्कुल सामने होता था, और वहां मुझे टिकट प्राप्त करने में भी बड़ी आसानी होती थी। और मैंने उन दर्शकों के साथ बैठ के देखा जो सत्यजीत राय को ठीक उसी तरह पसंद करते थे जिस तरह वे किसी साधा जैसे हिंदी सिनेमा का साधारण दर्शक यश चोपड़ा या मनमोहन देसाई की फिल्में देखने के लिए लपकता था, उसी तरह मैं देखता था कि सत्यजीत राय को पसंद करने वाले बांग्ला दर्शक उसी तरह जाते थे, और उनके उत्साह को देखकर, उनकी भंगिमाओं को देखकर, उनके आकर्षण को देखकर, उनके पूरी तरह से अभिभूत हो जाने की स्थितियों को देखकर मुझे जो लगता था कि यह असली फिल्मकार है या वह असली आदमी है जिसने अपने दर्शकों के साथ, अपनी भाषा के दर्शकों के साथ, अपने स्थानीय दर्शकों के साथ, उन दर्शकों के साथ जो उसके सिनेमा के पात्र भी हैं, उसके सिनेमा के ग्रहीता भी हैं, उनके साथ वो किस तरह जुड़ जाता है। और मैं जब हिंदी में सत्यजीत राय साहब की बनाई हुई दोनों फिल्मों को देखता हूँ, तो जो उनकी मुख्य फिल्म थी, जो पूरी लंबाई की फिल्म थी, शतरंज के खिलाड़ी, उसको देखकर मैं मुग्ध होता हूँ। मगर वह मुग्धता एक आकर्षण की मुग्धता थी, ऐसे आदमी की मुग्धता थी जो सत्यजीत राय को हिंदी फिल्मों में पाकर अभिभूत हो गया था कि चलो अंततः सत्यजीत राय साहब ने भी, जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया, उन्होंने हिंदी में भी एक फिल्म बनाई, मगर उस फिल्म ने मुझे उस तरह से अभिभूत नहीं किया जिस तरह से अभिभूत मुझे उनकी छोटी सी 47-48 मिनट की फिल्म जो उन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाई थी, उस फिल्म ने किया जो प्रेमचंद की कहानी पर तो दोनों आधारित हैं, मगर सदगति ने जिस तरह मुझे अभिभूत किया, जिस तरह मुझे लगा कि उन्होंने उसी मानसिक स्थिति से वो फिल्म बनाई है जिस मानसिक स्थिति से वे अपनी बांग्ला फिल्में बनाते थे, और शतरंज के खिलाड़ी उस मानसिक स्थिति से बनाई गई है जैसे कोई साहित्य के ऊपर किया गया बड़ा शोध कार्य हो। और मैंने देखा कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिल्मकार एज इट इज किसी कहानी को प्रस्तुत करे, मगर इतना जरूर है कि उस कहानी की जो मूल भावना है, उस कथा की जो मूल भावना है, उस साहित्य की जो मूल संदेश है जो का कहानीकार या रचनाकार या जो उसका मूल लेखक देना चाहता है, उस संदेश को, उस मूल भाव को आप जरूर से जरूर सुरक्षित करें। और शतरंज के खिलाड़ी में यही नहीं होता। मुझे लगता है कि यह फिल्म शतरंज के खिलाड़ी इसका नाम ना होकर, इसका नाम यदि होता नवाब वाजिद अली शाह का उत्थान और पतन, तो ज्यादा उपयुक्त तो होता। उसमें मुख्य किरदार नवाब वाजिद अली शाह हैं और उनकी सत्ता है, परंतु प्रेमचंद की कहानी का मुख्य किरदार नवाब वाजिद अली शाह नहीं है। उनका संदेश भी उनकी सत्ता का उत्थान और पतन का संदेश देना नहीं है,
उनका कथन जो मुझे लगा, जो मैं महसूस करता हूं कि वो बताते हैं कि यदि एक अय्याश शासक होता है तो उसके रजवाड़े, उसके जो सामंत होते हैं, उसके जो पूंजीपति होते हैं, उसके जो नौकरशाह होते हैं, वो भी किस तरह विकृत हो जाते हैं और सामान्य जनता किस तरह निराधार होकर भटकती है। तो वह जनता उस केंद्र में है, वह समाज उस केंद्र में है। प्रेमचंद की कहानी के शतरंज के खिलाड़ी तो मोहरे हैं, सत्ता तो मोहरा है, कथ्य नहीं है। और अगर आप ऋत्विक घटक से अगर उनकी तुलना करें, तुलना तो ठीक नहीं, लेकिन अगर उनकी फिल्मों को भी देखें तो ये दोनों समकालीन थे। देखिए, ऋत्विक घटक तो ऐसे फिल्मकार हैं जिनकी फिल्में मैंने बहुत बाद में देखी। ये सही बात तो यह है कि ऋत्विक घटक और सत्यजीत राय साहब में कोई तुलना नहीं, ये तुलना तो हो ही नहीं सकती, इसलिए कि दोनों का मानसिक सोच अलग अलग, दोनों ही बंगाल की अंतरात्मा में प्रवेश करते, और जिस तरह से बंगाल के विभाजन का दर्द ऋत्विक घटक के सिनेमा में देखा जा सकता है, उस तरह तो कहीं देखा ही नहीं जा सकता। परंतु ऋत्विक घटक अपने दर्शकों तक पहुंच ही नहीं सकते। ऋत्विक घटक को सिर्फ आलोचनात्मक लेखों के द्वारा ही या उनके बारे में कहे गए शब्दों के द्वारा ही हिंदी समाज पहचानता है। उन्होंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी। सही बात यह है कि उनकी फिल्म सही ढंग से भारतीय लोगों, हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए तो प्रदर्शित ही नहीं हुई, और कहें तो बंगला दर्शक भी उनसे लगभग अछूते ही रहे। एक ही फिल्म है जिसको बार बार नाम लिया जाता है, चर्चा की जाती है, और वही भर देखी जाए तो उसमें जो दर्द है मनुष्यता का, वह मनुष्यता का दर्द अपने बिल्कुल बिल्कुल इतने तीखे रूप में सामने हैं, इतने क्लिष्ट रूप में, या शब्द भी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इतने मर्मांतक रूप में सामने हैं कि मनुष्य को लगता है कि क्या यह जिंदगी बिल्कुल ही निरर्थक है, क्या इस जिंदगी में कहीं किसी भी किस्म का सौंदर्य देखा ही नहीं जा सकता, क्या मनुष्यता बिल्कुल घुटना टेक हो गई है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मगर ऐसी परिदृश्य में भी उनकी नायिका जिस तरह आगे बढ़ती है, जिस तरह वह अपने आप को मरते हुए भी उस सौंदर्य की तलाश में जूझते हुए दिखती है, वैसा अन्य कहीं नहीं देखा जा सकता। शायद यही कारण है कि हिंदी सिनेमा में मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों का मार्ग ढूंढते रहने वाले निर्देशक ऋत्विक घटक से बहुत प्रभावित रहे हैं और उनसे मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बहुत आकांक्षी रहे हैं, और एक बार उन्हें देखने के लिए जो नया दिग्दर्शक वर्ग था, जो नए निर्देशक थे, वो कैसे लालायित रहते थे, कैसे उनसे मिलकर उनकी रचनात्मकता को पहचानने की, या उनके माध्यम से, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने आप में आत्मसम्मान, अपने आप में ग्रहण करने के लिए किस तरह से व्यग्र रहते थे, किस तरह से पूरी तरह से डूबे रहते थे। मैंने ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो कुछ क्षण पाए हैं ऋत्विक घटक के साथ, वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से हैं। सिनेमा का जो सर्वश्रेष्ठ दर्शन मैंने किया है, जो मैंने सिनेमा के प्रति दीवानगी का जो गहनतम रूप देखा है, वो मैंने उन्हीं के सामने उनके स्वरूप को देखकर जाना। मैंने सत्यजीत राय साहब को तो कभी नहीं देखा, परंतु मृणाल सेन साहब को जरूर मैंने देखा, उनसे बातचीत भी की। भोपाल में एक बार वो आए थे, जब वहां पर फिल्म समारोह कोई हो रहा था, और उस समय मैं भी उसमें एक छोटा सा सहभागी था, और मैंने उस रात उनके साथ जो बात करने का मौका पाया, जो
बहुत सुंदर क्षणों में, जो बहुत आत्मनिर्वासन के क्षणों में जो मुलाकातें होती हैं, जहाँ पर आदमी बहुत आदमी बन जाता है, जहाँ वह अपने देवत्व से बहुत दूर हो जाता है, उन क्षणों में उनसे जो सीखने को मिला, जो भुवन सोम पर उनसे बातें करने का मौका मिला, जो उन्होंने बताया कि किस तरह सस्ते से सस्ते रूप में मैं फिल्में बना लिया करता हूँ, और उसके क्या कारण हैं, और उसके क्या साधन हैं, और उसके क्या तरीके हैं, वो सब अद्भुत बातें हैं। और एक एक सवाल कि क्या बांग्ला फिल्में जो हैं वो बांग्ला रचनाओं को केंद्र कर वो बनाई जाती है, लेकिन हिंदी में तो यह नहीं है। लेकिन अगर आपने सत्यजीत राय, ऋत्वि घटक या मृणाल सेन या विमल राय, तो इन लोगों ने फिल्म को कैसे, भारतीय सिनेमा को कैसे बदला, जो अभी देखने देखिए, को नहीं मिलता है, आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता है। हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक बंगाली, जिन बंगाली निर्देशकों का सबसे बढ़कर योगदान है हिंदी सिनेमा, मुझे बिल्कुल तनिक भी किसी किस्म का संदेह नहीं है कि उसमें बिमल रॉय सर्वोपरि हैं, उनसे आगे कोई नहीं। न हिंदी सिनेमा के सामान्य दर्शक पर मृणाल सेन का कोई प्रभाव है, न सत्यजीत राय का कोई प्रभाव है, और न ही ऋत्विक घटक का कोई प्रभाव है। वे जानते हैं, इन्हें नाम सुना है, इनकी महिमाओं से परिचित हैं, परंतु इनकी फिल्मों से परिचित नहीं। पर बिमल रॉय ने जिस तरह से हिंदी सिनेमा को हिंदी सिनेमा की नजर से देखा, मैं एक बिमल रॉय की एक फिल्म की भर बात करूंगा, सिर्फ एक फिल्म जो उनकी सबसे अनजान फिल्मों में से एक, और आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो फिल्म है, उसको जरूर देखा जाना चाहिए आज की परिस्थितियों में, वह फिल्म है पारख। उसमें उन्होंने आज जो चुनाव का परिदृश्य है, आज जो हमारी भारतीय राजनीति का परिदृश्य है, वह परिदृश्य उन्होंने आज से 63 साल पहले परख में दिखा दिया था कि भारतीय राजनीति धर्म सामाजिक विकृति राजनीति से पनपे हुए नए नए राजाओं और धर्माचार्यों के चंगुल में फंसने चली जा रही है और फंस जाएगी, और इन्हीं के चंगुल में यह राजनीति किस तरह छटपटाएगी, उसे बड़े ही जिस तरह से किसी वट वृक्ष के आरंभ को हम उसके बीज में देखते हैं, तो इस विकृति के, आज की राजनीतिक विकृति के वट वृक्ष का बीज है परख। और इतनी मधुरता से, इतने माधुर से प्रस्तुत की गई वह फिल्म है जिसको उस समय नहीं पहचाना गया, या एकमात्र फिल्म है जिसके संवाद शैलेंद्र ने लिखे, गीत तो खैर लिखे ही थे, और जिसमें उन्होंने बहुत सहजता से कहा था कि देखो, आपसी स्वार्थों से यदि नहीं बचोगे तो ये राजनीति तुम्हें, जो जिनके तुम गुलाम थे, उनसे भी बदतर गुलामी में तुम्हें ले जाकर फंसा देने वाली है, और तुम छटपटाते रह जाओगे जिस तरह आज हम छटपटा रहे हैं, और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये बिमल रॉय का योगदान। और इसके अलावा जो उनकी महामहिम फिल्में हैं वो तो हैं ही, आप सबका जिक्र कर सकते हैं, मगर एक और ऐसी फिल्म जिसकी बड़ा दुर्दराया गया था, जिसे जिसकी बड़ी आलोचना ऋत्विक घटक ने ही की थी और कहा था, और उसकी कहानी भी उन्हीं ने लिखी थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसी कहानी भूत पिशाच की लिख दी है बिमल रॉय के लिए कि जिंदगी भर के लिए वो नेस्तनाबूद हो जाएगा, मगर वही फिल्म सबसे अधिक चलने वाली फिल्म थी बिमल रॉय की, और सबसे अधिक पुरस्कार जिसने तान की जनता से प्राप्त किए थे फिल्म फेयर, किसी भी फिल्म को आज तक नहीं मिले, चाहे वो राज कपूर की हो, चाहे वो शाहरुख खान की हो, चाहे वो किसी की भी हो, इतने पुरस्कार किसी को एक साथ नहीं मिले जितने मधुमती को मिले थे। और वह फिल्म बनाई तो ब्लैक एंड व्हाइट में गई थी, श्वेत श्याम जादू था,
जिसने बड़े से बड़े रंगीन तिलिस्म को भेद दिया था और बड़े से बड़ी रंगीनी को मात कर दिया था। उन्होंने बताया था कि मैं सब जानता हूँ, मगर मैं करता वो हूँ जिसे मैं अपने लिए और अपने दर्शकों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानता हूँ। और उन्होंने कभी एक जैसी फिल्म नहीं बनाई, हर बार अलग अलग स्वाद की, अलग अलग मिजाज की फिल्में बनाई। और एक फिल्म वो भी ढूंढना चाहिए आज, बाप बेटे सॉरी बाप बेटी, पिता और पुत्री के संबंधों पर जो फिल्म, और जिसमें पिता की भूमिका एक लठबाज ने निभाई थी जो मुक्केबाज था, रंजन। और क्या खूबसूरत फिल्म बनाई थी जो आज कहीं दिखाई ही नहीं देती, जो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी। शायद विमल रॉय प्रोडक्शंस यदि कुछ बचा हो तो उनके पास कहीं पड़ी हो, मगर उसकी जो यादें हैं, जो उसके दृश्य हैं, वो आज भी मुझे आंदोलित करते रहते हैं कि देखो, मनुष्य को सुधारने की, मनुष्य को अपने ही भीतर सुधरते चले जाने की कैसी प्रक्रिया में विमल रॉय पहुंचाने की स्थिति रखते थे, चाहे वो बंदिनी हो और चाहे वो नौकरी ही क्यों ना हो। तो नमस्कार। नमस्कार।